पठानकोट ट्रेड फेयर एवं डिज्नीलैंड मेला की ओर से 27 जनवरी से 12 फरवरी तक समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक शॉपिंग महाबाजार का आयोजन किया जा रहा है। यह बाजार नजदीक LIC ऑफिस ट्रक यूनियन सैली रोड पठानकोट में स्थित है। आज नायब तहसीलदार दिलो राम पालमपुर ने चचिया पंचायत का दौरा किया, जिसमें लोक निर्माण विभाग फॉरेस्ट विभाग से पंचायत प्रधान जगदम्बा शर्मा सहित आदि के बयान दर्ज किए। तहसीलदार ने बताया कि सारी रिपोर्ट SDM पालमपुर को सौंपी जाएगी। ज्ञात हो कि 9 फरवरी को सफेदे के पेड़ ने डराया परिवार शीर्षक नामक खबर को दिव्य हिमाचल ने प्रमुखता से उठाया था। स्वागत है। आज ग्राम पंचायत चिचिंगिया में पिछले दिनों जो दिव्य हिमाचल द्वारा एक मुद्दा उठाया गया था, उस पर पालमपुर प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया है। आइए जानते हैं पालमपुर के नायब तहसीलदार जी से कि ये सारा मामला क्या है। नमस्कार जी, मैं गुरुराम भारद्वाज, नायब तहसीलदार पालमपुर। यहाँ श्रीमती विजय कुमारी पत्नी समन कुमार निवासी गांव चिचिंगिया खास वार्ड नंबर 5 द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी SDM साहब के पास, जिसमें इन्होंने अपने मकान के ऊपर से जो सड़क किनारे स्विधे के पेड़ हैं, जिनसे इनके मकान को खतरा बना हुआ है, किसी भी समय भारी आदि तूफान या भूकंप आदि से इनके मकान को खतरा हो सकता है, इन पेड़ों के गिरने से और जाने माली या माली नुकसान का खतरा हो सकता था और राहगीरों को भी इससे खतरा हो सकता है। तो इसका मुताबिक आदेश SDM साहब हमने मौका कार्रवाई की है और प्रधान मोर्चे के साथ अपने वन विभाग के अधिकारियों के साथ लोक निर्माण विभाग के साथ हमने ज्वाइंट निरीक्षण किया है और इसकी संपूर्ण रिपोर्ट जो हम SDM महोदय को सौंपेंगे, उसके मुताबिक इनकी कटाई या छंगाई की आदेश। सर, आपको ऐसा लगता है कि इनकी कटाई छंटाई या काटने की जरूरत पड़ेगी? जैसा कि एप्लीकेशन में इन्होंने बताया है, पुलिस इंक्वायरी में भी देखा है, तो कई बार इनकी टहनियां जो गिरकर इनके पेड़ के ऊपर या यहाँ नीचे बिजली की लाइन तारे हैं उस पर ये गिरते रहते हैं, तो कई प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इससे तो साफ जाहिर है सर कि इन पेड़ों का कटना जरूरी है, तो आज आपकी रिपोर्ट में ये निर्णय लिया गया है कि इनको काटा जाए। 2 पेड़ जो ज्यादा मकान के समीप हैं, जो ज्यादा झुके हुए हैं, उनको काटा जाना हमारे हिसाब से लाजमी है और इसके साथ अन्य 2-3 पेड़ और हैं, उनकी छंगाई होना भी जरूरी है। धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी अपने सहयोगी संजय सोनी के साथ नगरी गोपालपुर से। पठानकोट ट्रेड फेयर एवं डिज्नीलैंड मेला की ओर से 27 जनवरी से 12 फरवरी तक समय सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक शॉपिंग महाबाजार का आयोजन किया जा रहा है। यह बाजार नजदीक LIC ऑफिस ट्रक यूनियन सैली रोड पठानकोट में स्थित है। इसमें बच्चों के लिए झूले, क्रॉकरी, ज्वेलरी, रेडीमेड कॉस्मेटिक गिफ्ट आइटम, जयपुरी चूरन, खिलौने, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, वाटर फिल्टर, सहारनपुर फर्नीचर, फैंसी सोफा, टेराकोटा पोटरी, हर तरह का आचार, डिजाइनर लेडीज सूट, लेडीज चप्पल, हैंडलूम तौलिया, मैट और अन्य प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे।